फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आपका हाइट भी इंक्रीज होगा और मसल तो उधर बताओ। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो इसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इससे पूरा दिन आप में पॉजिटिविटी बना रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि डज बियर्ड अफेक्ट योर हाइट और नॉट। तो मैं यहाँ पे आपको तीन एग्जांपल्स दिखाऊंगा, पहला मेरा, दूसरा राणा का, तीसरा विनय का। तो सबसे पहले मैं राणा के साथ स्टार्ट करता हूँ। देखो, राणा का मुस्टेज थोड़ा बहुत आया, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि आपका बियर्ड किस हिसाब से आया है। मेरा कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। मेरा एज 26 साल है तो मेरा तो हाइट इंक्रीज होगा ही नहीं, तो मेरे को कंपेयर मत करो, ठीक है। और इधर विनय का देखो, बियर्ड आया है लेकिन उतना घना नहीं है। तो आप देखो कि आपका किस हिसाब से बियर्ड आया है। डज बियर्ड अफेक्ट योर हाइट और नॉट। सो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बियर्ड आना मतलब आपने प्यूबर्टी हिट किया है। एंड उसी तरीके से जब एक गर्ल प्यूबर्टी हिट करती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आता है। तो जब एक बॉय प्यूबर्टी हिट करता है तो उसका बियर्ड आता है, हाइट तो ग्रो होता ही है। तो ये प्यूबर्टी के सिम्टम ने आपने प्यूबर्टी हिट किया है। तो राणा हाइट इंक्रीज कर पाएगा या नहीं पाएगा, ये तो बहुत खतरनाक तरीके से हाइट इंक्रीज कर रहा है। मेरा हाइट इसके सामने कुछ भी नहीं है, अभी 6 फीट 1 इंच इसका हाइट है और इसका हाइट बहुत ज़्यादा और इंक्रीज होगा बिकॉज इसका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इसका जेनेटिक्स सुपर है हाइट इंक्रीज करने के लिए। हाइट इंक्रीज करने के लिए जेनेटिक्स चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मेरा जेनेटिक्स उतना कुछ खास नहीं है तो मैंने इतना हाइट इंक्रीज किया अपने दम पर। मैंने बहुत अच्छा डाइट लिया है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया, ठीक है। मेरा रेस्ट पैटर्न बहुत अच्छा है जिसके कारण से मेरा हाइट इंक्रीज हुआ है। और मैंने बहुत लेट में हाइट इंक्रीज किया, जब मेरा एज 18 साल था तब मैंने अपना हाइट इंक्रीज किया। और अभी मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंच और इसका 6 फीट 1 इंच। तो आम बात है कि इसके सामने मेरा हाइट छोटा लगेगा। और विनय का हाइट है 5 फीट 10 इंच। तो विनय का बियर्ड आया है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइट इंक्रीज नहीं करेगा। बियर्ड आना मतलब इसने प्यूबर्टी हिट किया है, बट प्यूबर्टी दौरान आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है। जब आपका प्यूबर्टी पूरा खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपका ग्रोथ प्लेट्स लॉक हो जाता है जिसके बाद आप हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते। तो अगर आपने प्यूबर्टी हिट किया, आपका बियर्ड आ चुका है, तो एकदम मत सोचिए कि आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा। ये एक अच्छा सिम्टम है कि आपने प्यूबर्टी हिट किया और अभी आपका हाइट बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो आपको जरूरी क्या है, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको सही डाइट लेना है। डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फैट्स, फिर वाटर इंटेक को हाई रखना है, रेस्ट पैटर्न बहुत अच्छा है चाहिए, फिर आपको डेली एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है। इतना वीडियोस बनाया कि आप देखकर खत्म नहीं कर पाएंगे, तो जाके वहां से वीडियोस देखो। फिर मैंने HIIT वर्कआउट दिखाया, सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर ही आता है, तो आप जाके देखो। और अगर आप वो सारे एक्सरसाइजेस करते हो आपको बहुत फायदा होगा। एंड इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका हाइट रुक जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा मिथ है, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हाइट रुक जाता है तो मेरा हाइट बढ़ता ही नहीं, बिकॉज मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया तभी मेरा हाइट इंक्रीज हुआ है। एंड जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं तो मेरा बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है उससे क्या मसल्स बनेगा? देखिए, बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। बस किससे आपका ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो सकता है आप वो चीज़ करो। आपको वो चीज़ नहीं सोचना कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, उससे आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा, बस मसल्स इंक्रीज होगा। भाई, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपके अंदर मिथ घुस जाएगा ना, मतलब अंधविश्वास जिसको कहते हैं, तो फिर आपका लाइफ खत्म है। तो अंधविश्वास में कभी नहीं रहना है, थोड़ा चलाक बनो, इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल गूगल का ज़माना है, टाइप करो आपको सब पता चल जाएगा। कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका हाइट रुक नहीं जाता है, उल्टा आपको बेनिफिट करता है। स्मार्ट होना पड़ेगा। और देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से कब आपका हाइट रुक सकता है? जब आप बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, आप गलत फॉर्म से कर रहे हैं, सही है कि नहीं? अगर कोई गलत फॉर्म से करता है तो फिर क्या होगा? ग्रोथ प्लेट्स में लॉक में इंजरी हो सकता है, जिससे क्या होगा, आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा। और इसका तो जेनेटिक्स से अच्छा है, इसको तो बोलो ही मत। एंड अगर ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, थोड़ा अच्छा डाट ले लेगा ना, तो इसका हाइट और 1-2 इंच ज़्यादा ही बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ से एक एडिशनल को बूस्टर मिलेगा, चिंगारी मिलेगा। ऐसे अंदर में इसका चिंगारी भरा हुआ है, आग तो इसका अंदर ऐसे ही जल रहा है, बिकॉज जेनेटिक्स बहुत ही अच्छा है। और साथ में अगर हाइट के लिए और उल्टा मेहनत कर दे, इसको तो ऐसे ही मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बिना मेहनत के हमसे ज़्यादा लंबा हो गया,
ठीक है, दो चार महीना पहले देखे थे ऐसा इतना छोटा सा था, आके मेरे सामने खड़ा हो गया ऐसा करके खड़ा हुआ है। तो अगर ये मेहनत कर ले तो फिर बोलना ही नहीं है। मैंने तो मेहनत किया फिर जाके मेरा हार्ट इतना हुआ, और इसका हार्ट तो बिना मेहनत किए इतना है। तो अगर ये मेहनत करता ना भाई, ये बहुत आगे जा सकता है। तो अगर आपके पास कुछ पोटेंशियल है, अगर आप में कुछ हुनर है, तो उस पर हार्डवर्क करिए, तो वो क्या होगा, और ज़्यादा मिस बेहतर हो जाएगा। अगर आप में कोई चीज़ मिस गुण है आप में, तो उसको दिखाना ज़रूरी है। ये मैं आपको एक एडिशनल एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप में कुछ गुण है तो उसको और ज़्यादा मिस रगड़िए, उस पर और मेहनत करिए, तो वो चीज़ और ज़्यादा निखर जाएगा और आप उसमें बेहतर हो जाएंगे। अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हैं तो और अच्छे से पढ़ाई करिए, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा पाएंगे। आप में दिमाग है लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो रहकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम अभी ना थोड़ा डाइट को और अच्छा करो, ठीक है। अगर ये डाइट को अच्छा करता है और थोड़ा एक्सरसाइज करता है, तो मे बी हाइट के चलते इसको अच्छे अच्छे जॉब्स मिल जाएगा, अच्छे अच्छे जॉब्स ऑफर मिलेगा। बहुत अच्छा जेनेटिक्स है, बहुत अच्छा सुपर जेनेटिक्स है। अभी देखो तो बीड और कुछ नहीं आया, प्यूबर्टी इसने जस्ट हिट किया, इसी में इसका हार्ट इतना बढ़ गया है और डे बाय डे बढ़ रहा है इसका। मैं आपको इसको मिलाऊंगा, 4-5 महीने बाद इसको मिलाऊंगा, ठीक है। फिर आप इसका हार्ट देखना, तब तो इसके सामने ऐसे लगूंगा मैं, ठीक है। ऐसे रहना पड़ेगा, इतना हाइट है इसका, और हम लोग का तो एवरेज जेनेटिक्स है। एंड यहाँ पर विनय खुद एक स्टूडेंट है एंड ये भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, एंड इसीलिए मैं इसको वीडियोज़ में लेके आता हूँ, मुझे भी फायदा हुआ। एंड ये तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता ही नहीं है, इसका हाइट तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर विनय के कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या विनय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या क्या हेल्प होता है, तुम क्या क्या लगता है क्या हेल्प होता है यहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आपका हाइट भी इंक्रीज होगा, हाँ, और मसल तो उधर बताओ, हाँ। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो इसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे पूरा दिन आप में एक पॉजिटिविटी बना रहेगा, बहुत आपको एक फोकस मिलेगा पढ़ाई करने में। और देखो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई में भी ध्यान देना है। मैं आपको ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि खाली आपको मीन्स हार्ट के लिए सोचना है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में करना है। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका हाइट इंक्रीज होगा, आपको करना है। एंड विनय खुद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, मैं तो करता ही था, मुझे बहुत हेल्प हुआ। एंड विनय भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, और पहले तुम्हारा हाइट कितना था? 5 feet 6, और अभी कितना है? अभी 5 feet 10, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद। हाँ, और कितने दिन तुमने किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? अप्रॉक्स वन ईयर, और इसका 4 inches हाइट गेन हुआ। तो इट डिपेंड्स फॉर पर्सन टू पर्सन कि आपका बॉडी किस तरीके का है, ठीक है। हर एक इंसान अलग है, किसका बॉडी किस वे से रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता है। अगर इसने उतना प्रॉपर डाइट नहीं लिया हो तो उसको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। डाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, 70%। तो आपको सबसे ज़्यादा डाइट पे ध्यान देना है, सेकंड एक्सरसाइज, और उसके बाद रेस्ट। अगर ये तीनों चीज़ आप सही कम्बिनेशन में सही वे में करते हो, आपका हाइट जरूर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ पढ़ाई में बहुत हेल्प होगा, बिकॉज कंसंट्रेशन आपका इंप्रूव होता है, फोकस बढ़ जाता है। अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके बॉडी में ज़्यादा आलसीपन आ जाएगा, नींद आएगा ज़्यादा, और अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, एंड जितना ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे आप पढ़ाई में उतना ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। एंड मुझे लगता है मैक्सिमम यहाँ पे स्टूडेंट जो लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, एंड आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप ज़रूर करना। एंड ये एक एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ सोचना बंद करो और अंधविश्वास में मत रहो। सो बियर्ड्स रहने से भी आपका हार्ट इंक्रीज होगा, बियर्ड्स आने का मतलब ये नहीं कि आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, एंड इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बरमो शेयर करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना इसी तरीके से। सो आज मैं वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना यार, ठीक है, और सही।